हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं किस इंसान के जो कि फाइनेंस एग्जीक्यूटिव होता है या फिर चीफ फाइनेंस ऑफिसर, जिसको आप CFO के नाम से भी जानते हो शॉर्ट फॉर्म में, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, उसके क्या कार्य होते हैं, वो क्यों इतनी ज़्यादा जो है सैलरी ले रहा होता है, आखिर वो काम क्या कर रहा होता है, तो वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आपका आ सकता है कि सीधा सीधा फंक्शंस ऑफ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव के बारे में बताइए, एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, या फिर एक लॉन्ग फेज क्वेश्चन आ सकता है जिसमें जो है आपसे टॉप जो इंपॉर्टेंट पीपल होते हैं जो एक तरीके से आपके फाइनेंस से रिलेटेड डिस्कशंस करते हैं या फिर जो है डिसाइड करते हैं कहाँ क्या लगना है, कहाँ कितना पैसा आएगा, कहाँ से कितना पैसा जाएगा, जो पूरी प्लानिंग करते हैं फाइनेंस को लेकर के और एग्जीक्यूशन कराते हैं, उनके लोगों के बारे में पूछा जा सकता है, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन में इसको कवर अप किया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एस्टिमेटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, जो आपके फाइनेंस एग्जीक्यूटिव है, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव यानी कि जितना भी पैसा आ रहा है कहाँ से आएगा, कहाँ को जाएगा, ये पैसा कैसे लिया जाएगा, इस पैसे पे कितना जो है खर्च आएगा, क्योंकि जब आप पैसा मार्केट से उठाते हो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, अलग अलग प्रकार से आपको पेमेंट्स करनी पड़ती है, तो वो कहाँ से आएगा, तो ये सारी के सारी जो है चीज़ें, ये सारे के सारी प्लानिंग जो है करता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको बोला जाता है फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। सबसे पहला आपका बिजनेस में जो डिसीजन लिया जाता है वो ये होता है कि भैया मुझे ये बिज़नेस करने के लिए कितना पैसा चाहिए, अगर आपको मोची की दुकान खोलनी हो या फिर जो है आपको टाटा बिरला जैसी बड़ी कंपनी खोलनी हो, उन सब में आपका एक क्वेश्चन सबसे पहले आता है कि भाई इसमें मुझे कितना फंड चाहिए होगा। सो सबसे पहला जो काम है वो यही है कि एस्टिमेटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, कि भैया जो फंड चाहिए वो आपको एस्टिमेट करना है, चाहे आपका बिजनेस का स्टार्टिंग के एज में हो, चाहे वो ग्रोथ की एज में हो, चाहे वो थोड़ा सा जो है पुराना हो चुका है और अब जो है आपको न्यू स्कीम्स लानी है, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, न्यू जो है प्लानिंग करनी है, वो लिहाज से देखा जाए। तो हर जगह हर कदम पर आपको चाहिए पैसा, तो इसीलिए पैसा पैसा किया जाता है। तो पैसे के लिए जो है एस्टिमेशन लगाना कि भाई कितना पैसा चाहिए होगा, प्लान देखना, उसके अकॉर्डिंग एस्टिमेट करना। अ केयरफुल एस्टिमेट ऑफ फंड इज रिक्वायर्ड एंड द एक्सैक्ट टाइमिंग व्हेन सच फंड्स आर रिक्वायर्ड मस्ट बी मेड बाय प्रिपेयरिंग द बजट्स। तो ये जो है केयरफुल एस्टिमेशन आपको करना पड़ता है फंड्स का, कि कितना आपको जो है पैसा चाहिए होगा, किस टाइमिंग पे चाहिए होगा, और वो सारे फंड्स जो है अरेंज कराने के लिए पूरा बजटिंग प्रिपेयर करना। नेक्स्ट होता है डिसीजन रिगार्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंस फाइनेंशियल डिसीजन। कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल डिसीजन को जो है डिसीजन को लेकर के आप डिसाइड करते हो, क्या डिसीजंस लेते हो, जैसे आफ्टर दैट डिसीजन हैज़ टू बी टेकन विद रिस्पेक्ट टू वेरियस सोर्स फ्रॉम विच दीज फंड्स हैव टू बी रेज्ड। अब आपको पता चल गया मुझे चाहिए 1 करोड़ रुपए या 1 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, मुझे इतना पैसा चाहिए, आपने ये डिसाइड कर लिया, आपने जो है ये एस्टिमेशन लगा दिया कि इस बिजनेस में मुझे जो है इतना पैसा चाहिए होगा। नाउ यू हैव टू डिसाइड वेदर यू आर गोइंग टू टेक इट फ्रॉम द मार्केट और फ्रॉम द बैंक और जहां कहीं से जो जो सोर्सेज अवेलेबल है कहां कहां से आप ये पैसा ले सकते हो। सो आफ्टर दैट डिसीजन हैज टू बी टेकन विद रिस्पेक्ट टू वेरियस सोर्सेज फ्रॉम विच दीज फंड्स हैव टू बी रेज, यानी किस सोर्स से कितना पैसा आप उठाओगे। रिस्क कॉस्ट एंड कंट्रोल एस्पेक्ट शुड बी कंसीडर व्हाइल टेकिंग दिस टाइप ऑफ डिसीजन। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास 4 ऑप्शन है, बैंक है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड आपका एक डेप्ट हो गया, या एक और भी कोई भी अनदर ऑप्शन है, ऑप्शन डी, नन ऑफ अबव वाला। तो अब आप ऐसा नहीं करोगे कि अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 बैंक आ गया तो बैंक से पैसा ले लो, बैंक भी तो देना चाहिए इतना बड़ा अमाउंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको एक डिसीजन लेने के लिए पूरा प्रोसेस करना पड़ता है कि भाई अगर मैं बैंक से लूँगा तो मुझे कितना कॉस्ट लगेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरी क्या पड़ेगी, अगर मैं शेयर मार्केट में शेयर से लूँगा तो क्या होगा, अगर मैं जो है डिबेंचर्स ले लूँगा तो क्या होगा। सो उस सारी चीज़ें, सारे एस्पेक्ट, सारी जो उसके पॉइंट्स होती हैं सब कंसीडर करने के बाद ही आप डिसाइड करोगे कि आप पैसा कहाँ से उठाओगे। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फंड्स प्रोक्यूर्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज हैव टू बी इन्वेस्टेड इन वेरियस टाइप ऑफ एसेट्स बाइंग बाई यूजिंग द टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग। अब देखो, आपने पहले सोचा कि आपको कितना पैसा चाहिए, आपने एस्टिमेट कर लिया, दूसरा आपने डिसीजन लिया कहाँ से लोगे, कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंशियल डिसीजन आपने लिया, तीसरा अब आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि भाई अब आपके पास पैसे आ गए हैं, इन्वेस्ट कहाँ करना है, कैसे करना है, अब आपकी कंपनी पहले से चल रही है, बहुत बड़ी कंपनी है, नई कंपनी के लिए आपने नहीं लिया बल्कि इसी को एक्सपैंड करने के लिए लिया है, तो आप देखोगे कि कहाँ से कितना एसेट मुझे बाय करना है, कैसे बाय करना है, कौन सी जो है एसेट मुझे बाय करनी है ताकि मेरे लिए बेटर हो सके,
मेरे लिए आगे फ्यूचर में चल के भी अच्छा हो। सो वो पूरी की पूरी कैपिटल बजट की टेक्निक के थ्रू आप जो है सब चीज़ें देखोगे, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लोगे कि कहाँ पैसा कहाँ जाएगा। पहले मैंने सोचा मुझे कितना पैसा चाहिए, दूसरे में मैंने देखा कि मुझे कहाँ से पैसा लेना है, और मुझे पैसा जब मिल गया तो तीसरे स्टेप में मैंने देखा कि वो पैसा मुझे कहाँ लगाना है। अब पैसा लगा दिया तो अब आप प्रॉफिट अर्न कर रहे होगे। अब बात आएगी डिविडेंड की। डिविडेंड क्या होता है? जब आप शेयर्स बेचते हो या जो लोग जो है आपके कंपनी में शेयर लेते हैं, हिस्सेदारी लेते हैं, जिनकी भी आपकी कंपनी में हिस्सेदारी हो जाती है, अब उनका प्रॉफिट में भी तो हक बनता है कि भाई जो कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है उसमें छोटा छोटा हिस्सा हमें भी मिले, कि भैया केक कटाए तो हमें भी मिलेगा। सो दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड, जो कि प्रॉफिट का एक पार्ट होता है जो कि शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। ही इज़ ऑल्सो कंसर्न्ड विद द डिसीजन ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड और नॉट। ठीक है, अब ये जो चीज़ होती है कि भाई क्या डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए या नहीं, ये एक बहुत बड़ा मैटर होता है जिसमें CFO और फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये चीज़ वो डिसाइड करते हैं एक बड़े लार्ज लेवल पे। उनका इम्पैक्ट होता है कि भाई इस बार हमें जो है डिविडेंड नहीं देना है, क्यों? क्योंकि इस बार प्रॉफिट बहुत कम हुआ है, हमें आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो प्रॉफिट हमें रिटेन करके रखना पड़ेगा सो वी कैन यूज़ इट इन फ्यूचर। सो ही इज़ ऑल्सो कंसर्न विद द डिसीजन टू डिक्लेयर डिविडेंड और नॉट। ही हैज़ टू असिस्ट द डायरेक्टर इन डिसाइडिंग द रेट ऑफ डिविडेंड, साथ ही साथ किस रेट पर डिविडेंड देना है। जैसे प्रेफरेंस शेयर का तो रेट ऑलरेडी डिसाइड होता है जब वो इशू किए जाते हैं, कि 2%, 10%, 5% जो भी होता है वो उसी टाइम पर लिखा हुआ होता है उनके नाम के आगे ही, कि 5% प्रेफरेंस शेयर मीन्स 5% का इंटरेस्ट जो है यहाँ पे आपको मिलेगा डिविडेंड, 5% का अमाउंट आपको मिलेगा। बट इक्विटी में ऐसा कुछ नहीं होता, इक्विटी बेचारे ना इधर के ना उधर के, अगर आया है प्रॉफिट तो मिलेगा, नहीं आया नहीं मिलेगा, कंपनी का इच्छा होगी तो देंगे, नहीं हुई तो नहीं देंगे। रेट कंपनी डिसाइड करेगी कि भैया प्रॉफिट कितना ज़्यादा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो देखेंगे, कम हुआ है तो कम देंगे, और नहीं भी हुआ तो टाटा बाय बाय भी कर देंगे। सो डिविडेंड डिसीजन लेने में एक बड़ा अहम रोल होता है, वो डिसाइड करते हैं कि किस रेट पे उनको डिविडेंड देना है। नेक्स्ट इज़ सप्लाई ऑफ फंड्स टू ऑल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और कैश मैनेजमेंट। अब आपके पास देखो, आपने कैश तो आप ले आए, आपने कैश ले लिया, उसके रिगार्डिंग डिसीजन ले लिया कि कहाँ से कैश लाना है, फिर आपने ये भी देख लिया कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन कौन से एसेट्स लाने हैं। लेकिन एक और चीज़ आपके हाथ में होती है, दैट इज़ कि भैया इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, टाटा की ऑर्गेनाइजेशन देखो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें एक तरीके से लाखों लोग जुड़े हुए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब जो आपके फाइनेंस वहाँ पे देख रहा है, फाइनेंस का जो एग्जीक्यूटिव है, ये उसकी ड्यूटी है कि जो भी फाइनेंस अमाउंट है, जो भी फंड्स है, वो ऑर्गेनाइजेशन के हर पार्ट तक पहुंचे। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर वाले लोगों तक आपने दे दिया, ऊपर वाले नीचे कम दे रहे हैं, नीचे कम दे रहे हैं, नीचे कम दे रहे हैं। जैसे कि एक हमारे जो है बहुत बड़े राजनेता ने ये बात बोली थी कि मैं ऊपर से 2 रुपये भेजता हूँ तो नीचे जाकर के 20 पैसा मिलता है लोगों को, कुछ ऐसा उनका स्टेटमेंट था। तो ये नहीं होना चाहिए, फंड्स जो है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के हर पार्ट में, इन एवरी डिपार्टमेंट, इन एवरी फैक्ट्री, इन एवरी ब्रांच, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, इन एवरी यूनिट, हर जगह पे जो है एडिक्वेट फंड पहुंच पाए। ही हैज़ टू इंश्योर दैट ऑल ब्रांचेस, फैक्ट्री डिपार्टमेंट एंड यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर सप्लाइड विद एडिक्वेट फंड्स। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल नेगोसिएशन। अब देखो वो क्या कर रहा है, फाइनेंस की बात कर रहा है, तो जो भी कंपनी के बड़े फाइनेंशियल जो है डिसीजंस होंगे कि भाई लेट सपोज उसको जो है कोई न्यू प्रॉपर्टी लेनी है, तो वो क्या करेगा, नेगोशिएट करेगा कि भाई देखो ये प्रॉपर्टी ऐसी है वैसी है। नेगोशिएट यानी कि वो कोशिश करेगा कम खर्चे में काम हो जाए, यानी कि बजटिंग की तरह एक लेकर के चलेगा, जैसे मम्मा लोग चलते हैं, तो नेगोशिएट करेगा फाइनेंशियल वे में ताकि जो है कम उनका थोड़ा सा खर्चा जाए, कम पैसे उनके थोड़े से खर्च हों। ही शैल नेगोशिएट विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स एंड पब्लिक डिपॉजिटर फॉर ऑब्टेनिंग लोन्स। ठीक है, तो साथ ही साथ जो है इसका एक और पार्ट है कि लोन जब वो लेगा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोन जब ले रहे होंगे तब भी वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के साथ, बैंक्स के साथ, पब्लिक डिपॉजिटर्स के साथ जो है एक तरीके से नेगोशिएट करेगा। नेगोशिएट यहाँ पे किस चीज़ का होगा, देखो जब आप बाय करने जा रहे होते हो तो आप नेगोशिएट करते हो कम प्राइस पे सामान मिल जाए, लेकिन जब आप लोन लेने जा रहे हो तब आप जो है नेगोशिएट करते हो कि कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल जाए, ताकि उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होती है, आई होप कि आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब पता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, जैसे कि आपने जो है मार्केट से पैसा उठाया है, तो अब आपको कुछ ना कुछ अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा ना उस पैसे को यूज़ करने के लिए, जो कि आपका इंटरेस्ट होता है, तो वो इंटरेस्ट क्या हो जाता है, एक तरह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाता है। तो इसीलिए आप जो है जब एज अ फाइनेंशियल नेगोशिएटर कर रहे हो तब इन सब के साथ, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, बैंक्स और पब्लिक डिपॉजिटर्स के साथ, तो कोशिश करते हो कम से कम अमाउंट में, कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको जो है लोन मिल जाए। नेक्स्ट इज़ इवैल्यूएटिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब आपने जो है पैसा आपने
देखा कितना चाहिए, आप लेके आए, आपने उसको यूज़ कराया, आपने पूरा जो है अपने जगह जगह तक वो पैसे फैलाए। अब आपको ये जानना है कि भैया इतनी जो मैंने मेहनत की है उसका रिजल्ट क्या आया है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या मिला है। सो ही शेल कॉन्स्टेंटली रिव्यू द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ वेरियस यूनिट्स, कि भैया हर यूनिट का जो है फाइनेंशियल पोजिशन आपको देखना पड़ेगा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी यूनिट अच्छा कर रही है, कौन सी कम कर रही है, क्या इसके पास पैसा नहीं है, क्या इसकी कोई कमी आ गई है। सो जनरली वो देखते हैं किस यूनिट ने कितना जो है ज़्यादा रिटर्न मुझे करके दिया है, कितना जो है इतना बेटर परफॉर्मेंस करके जो है आउटपुट दिया है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन इज योर कैश मैनेजमेंट। ही शेल ले डाउन कैश मैनेजमेंट एंड कैश डिस्पर्समेंट पॉलिसीज सो एज टू सप्लाई एडिक्वेट फंड्स टू ऑल यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड टू इंश्योर दैट देर इज नो एक्सक्लूसिव कैश। ठीक है, तो यानी कि एक्सेसिव कैश, यानी कि पूरा कैश का मैनेजमेंट करना कि हर यूनिट तक, हर जगह तक जो है पूरा कैश पहुंच जाए, ये सब चीज़ें जो है आपकी ड्यूटी कह लीजिए, फंक्शंस कह लीजिए, होती है किसकी, द फाइनेंस एग्जीक्यूटिव और योर CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, पूरी समझ में आई हो। पड़ोसियों के बच्चे रो रहे थे तो उनको इग्नोर करना क्योंकि मैं उनके कुछ कर नहीं सकती। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।